छठ पूजा के दिन नजदीक आ रहे थे। सुरेश बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके बांस के सूप और दौरा तैयार कर रहा था, पर आज वो जब उन्हें बाजार में बेचने गया तो एक भी दौरा और सूप नहीं बिका। वो थका हारा घर वापस लौट आया। अभी छठ पूजा को 3 दिन बाकी है, छठ मैया का नाम लेकर कल दोबारा फिर सूप और दौरा बेचने जाना। मुझे विश्वास है छठी मैया हमारी सहायता जरूर करेंगी। माँ, छठ पूजा में तुम खीर पूरी बनाओगी ना? हाँ हाँ, मुझे भी खीर पूरी खानी है, और मुझे 2 कटोरी भर कर देना और भानु भैया को 1। बड़ी आई 1 कटोरी देने वाली। माँ अगर ये 2 लेगी तो मैं भी 2 कटोरी ही खाऊंगा। अरे तुम दोनों लड़ो नहीं, मैं तुम दोनों को बराबर ही दूंगी, मेरे प्यारे बच्चों। हे छठ मैया, हमारी मदद करो, इनका सामान बिक जाए। आपके नाम में बहुत शक्ति है माँ, आपने हमेशा दुखियों की सहायता की है छठ मैया। सरला छठ मैया को याद करती है और उनसे प्रार्थना करती है। उधर सुरेश बांस से बनाए सूप और दौरा बेचने निकल पड़ता है। दौरा ले लो, सूप ले लो। बहन जी क्या दूँ, कुछ खरीद लो भैया जी, आज सुबह से बोनी नहीं हुई। सुनो जी, बड़ी दुकान से खरीदेंगे, पता नहीं ये बांस की टोकरी तो पुरानी लग रही है और सूप भी मैले है। भैया ये बांस कच्चा इस्तेमाल किया हुआ है। नहीं नहीं, हमें नहीं लेने। अरे खरीद लेती, उस बेचारे की भी थोड़ी कमाई हो जाती। ले लो भैया सूप ले लो, बांस की टोकरी ले लो। सब लोग बड़े बाजारों से खरीद रहे हैं, क्या करूं छठी मैया, मेरी मदद करो माँ, कोई भी नहीं खरीद रहा माँ। सुरेश निराश होकर घर वापस आ जाता है। कुछ खाने को नहीं है जी, थोड़े से चावल रखे थे, भानु और सोनम को उबाल कर दे दिए हैं। सरला, छठ मैया का नाम लेकर ही आज भी ये टोकरी और सूप बेच रहा था, पर किसी ने भी नहीं खरीदे। तुम कहती हो छठ मैया बहुत दयालु है, वो हम गरीबों की जरूर सुनेंगी, पर अगर कल भी मेरी कमाई नहीं हुई तो मुझ गरीब की छठ पूजा का क्या होगा, कैसे छठी मैया को खीर पूरी और ठेकुआ का भोग लगेगा। शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, छठी मैया को हम प्रेम और भक्ति से एक फूल भी अर्पण करें तो वो प्रसन्न होती है। अब सो जाओ, फिर सुबह तुम जल्दी उठ जाओगे। सुरेश का मन परेशान था, सरला भी सो रही थी, और सुरेश सुबह तड़के ही उठकर घर से निकलने लगा। अभी तो 4 बजे हैं, आप बहुत जल्दी उठ गए। हाँ मैं सोच रहा हूँ बाजार खुलने से पहले ही पहुँच जाता हूँ, सुबह सुबह लोगों का आना शुरू होता है, शायद कोई खरीद ले। सूप ले लो, दौरा ले लो। छठी मैया, आज कोई ग्राहक आ जाए, मेरी विनती सुनो मैया, घर पर सरला भी सोच में होगी, मैं आज खाली हाथ घर नहीं जा पाऊंगा माँ। टोकरी और सूप लेकर बैठे बैठे सुरेश को शाम हो जाती है, पर ना जाने लोग उसकी ओर देखते और मुंह फेर कर सामान अच्छी दुकान से खरीदने लगते। शायद बेचारे गरीब सुरेश के फटे हाल कपड़े और मैली चप्पल देख कर ही लोग उससे कुछ भी नहीं खरीद रहे थे। वो बेचारा भी क्या करता, भला उस गरीब पर कौन दयालु होता। सुरेश हिम्मत हार चुका था, वो रोने लगा और अपना सामान लेकर वापस घर चल पड़ा। मैं घर जाकर बच्चों को क्या जवाब दूंगा, सरला का छठ पूजा का व्रत है, वो शाम को क्या खाएगी। ए छठी मैया, हम भक्तों के विश्वास की लाज रखो माँ, कहाँ हो मैया, मेरी मदद करो मैया। रोते रोते परेशान हालत में सुरेश घर की ओर जा रहा था, अचानक चक्कर खाकर वो जमीन पर गिर पड़ा। नारायण नारायण, देवी छठी, ये आपकी कैसी लीला है माँ, आपका भक्त सुरेश बेहोश होकर धरती पर गिर गया है, घर पर इसके बीवी बच्चे आपके नाम का जाप कर रहे हैं कि आपके व्रत और पूजन से इनके घर में खुशियाँ आएंगी, हे छठ मैया इनकी सहायता करो। नारद मुनि, मैं अपने भक्तों के विश्वास को कभी भी डगमगाने नहीं दूंगी, मेरा छठा रूप इस प्रकृति और भक्तों के कल्याण के लिए ही हुआ है, जो कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे याद करेगा मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा। देखते ही देखते छठी मैया एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है और सुरेश के पास पहुँचती है। सुरेश को जब होश आता है वो अपने आप को एक झोपड़ी में पाता है। आप कौन है माँ और मैं यहाँ कैसे आया? बेटा तुम रास्ते में बेहोश हालत में गिरे हुए थे, मैं ही तुम्हें यहाँ लाई हूँ। माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ, घर में सरला और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, आपने मेरी मदद की माँ, मेरे पास उपहार स्वरूप में आपको देने के लिए ये दौरा और सूप है। माँ ये एक दौरा और सूप आप मेरी तरफ से रखो, आज छठ मैया की पूजा है, आप भी तो माँ समान हो। खुश रहो बेटा, ये उपहार मुझे बहुत प्रिय है, ये लो बेटा,
ये पोटली में छठी मैया का प्रसाद है, इसे मेरी तरफ से रख लो। बूढ़ी अम्मा से विदा लेकर सुरेश अपने घर की ओर चल पड़ता है, पर अभी भी सुरेश चिंता में ही था। देवी छठी, क्या सुरेश आपका आशीर्वाद पाकर चिंताओं से मुक्त होगा? नारद मुनि, मेरे भक्त संपूर्ण विधि विधान से मेरे व्रत को रखते हैं। सरला ने भी मेरे नाम का दीपक जलाकर मेरी पूजा की है, फिर भला मैं उसे पूजा का मीठा फल दिए बिना कैसे रह सकती हूँ? और फिर छठी मैया मुस्कुरा देती है। उधर सुरेश घर पहुँचता है। अरे आप कहाँ रह गए थे? मैं बड़ी देर से पूजा के लिए आपका इंतजार कर रही थी, और ये 2000 रुपए इतने के ही थे ना सब मिलाकर, सूप और टोकरियाँ। बहुत खुश हुई वो महिला, बोल रही थी कि बाजार से नहीं खरीद कर ला सकी, किसी ने हमारा पता दिया था तो जो आप घर पर रख गए थे वो सारे उन्होंने खरीद लिए। क्या, पर ऐसे तो कभी कोई खरीदने नहीं आया और वो भी इतने सारे खरीद लिए। ए छठी मैया, आपकी लीला न्यारी है। सुरेश सरला को बेहोश होने और उन बूढ़ी अम्मा के मिलने की बात बताता है। अचानक उसे याद आता है कि उन बूढ़ी अम्मा ने सुरेश को छठ पूजा का प्रसाद दिया था। जैसे ही सुरेश प्रसाद की पोटली खोलता है, सुरेश और सरला दोनों हैरान रह जाते हैं। सोने के सिक्के? हाँ सरला, ये तो सोने के सिक्के हैं। तो क्या वो बूढ़ी अम्मा साक्षात छठी मैया थी? हे छठी मैया, आपकी जय हो। मैं आपको पहचान नहीं सका, आपने मेरी जान बचाई, मुझे उपहार में इतना कुछ दे दिया। मैया, आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी। और वो जो घर पर आई थी, क्या वो भी छठी मैया थी? सुनो जी, छठी मैया ने हमारे जीवन में खुशियाँ दे दी। सरला छठी मैया को प्रणाम करके उनका व्रत और पूजन संपूर्ण करती है। बच्चे भी बहुत खुश थे। देवी छठी, आपकी जय हो। आज तो आपकी अद्भुत लीला देखकर मेरा भी मन खुशी से प्रफुल्लित हो उठा है। सही कहते हैं, जो कोई मनुष्य भी छठ पूजा करता है उसके सारे संकट आप दूर कर देती हैं। आपका व्रत निसंतान को संतान प्राप्ति, निर्धन को धन देता है और रोगी को निरोगी बना देता है। जो कोई भी सच्चे भाव से छठ पूजा का व्रत और पूजन करता है उसके घर में सदैव सुख समृद्धि का वास होता है। आसमान में एक आकृति दिखाई दे रही थी जो अपने भैंसे पर सवार होकर जा रही थी। वो आकृति थी मृत्यु के देवता यमराज की। बड़ी बड़ी मूछों वाले यमराज अपने भैंसे पर बैठे हुए बहुत ही भयानक लग रहे थे। वो तीव्र गति से यमलोक की ओर बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। ये किस बच्ची की आवाज है जो हमें इस आसमान में सुनाई दे रही है? ये तो असंभव है। उन्होंने अपने भैंसे को अपनी गति कम करने का आदेश दिया। आप तनिक अपनी गति कम करिए, हमें यहाँ किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। यमराज का भैंसा आसमान में ही रुक गया। यमराज को अब भी उस बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आखिर कहाँ से आ रही है ये आवाज? कौन कौन है? तभी यमराज की नजर छोटी सी ललिया पर गई, जो बैसाखी के सहारे सहमी सी खड़ी थी और वो लगातार रोए जा रही थी। यमराज उसकी ओर आश्चर्य की नजर से देख रहे थे और ललिया उन्हें घूर कर देख रही थी। तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तो ललिया हूँ, आप कौन है? हम यमराज हैं। यमराज? अच्छा तो आप हैं यमराज, आप मेरी माँ को वापस करिए। तुम्हारी माँ? कौन है तुम्हारी माँ? हमारे पास तो तुम्हारी माँ नहीं है। आप झूठ मत बोलिए, सभी तो कह रहे थे कि आप मेरी माँ को यमलोक लेकर जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर यमराज ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देखने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि जोरों की बारिश हो रही थी। शकुंतला बहुत देर से बारिश के बंद होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी छोटी बेटी ललिया बिस्तर पर लेटी हुई थी। अच्छा तो ये है इसकी माँ। शकुंतला की दिव्यांग बेटी ललिया को कल रात से तेज बुखार था। शकुंतला ने उसे रात को दवा दी थी, लेकिन उसका बुखार नहीं उतर रहा था। अब घर में बुखार की कोई और दवा थी नहीं, इसलिए वो बारिश के थमने का इंतजार कर रही थी ताकि वो बाहर से दवा ले आए। ललिया को अभी भी तेज बुखार था। माँ, ये बुखार बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तुम इसे भगा दो ना। हाँ बेटा, अभी एक दवा और दूंगी, फिर तुम्हारा बुखार भाग जाएगा। थोड़ी देर में बारिश बंद हो गई। शकुंतला ने ललिया से कहा कि ललिया, बारिश बंद हो गई है, मैं तुम्हारी दवा लेकर तुरंत आती हूँ, तुम परेशान मत होना। जल्दी आ जाना माँ। पति की मौत के बाद शकुंतला बिल्कुल निराश हो गई थी, लेकिन छोटी सी ललिया की जिम्मेदारी उसके सिर पर थी, इसलिए उसने लोगों के घरों में झाड़ू पोछे और खाना बनाने का काम शुरू कर दिया।
वो ललिया से बहुत प्यार करती थी और ललिया भी उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। यूं कहे कि एक दूसरे में ही दोनों के प्राण बसते थे। बहरहाल शकुंतला दवा की दुकान पर पहुंची। भैया, मेरी बेटी को कल रात से तेज बुखार है। रात को दवा दी थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसी दवा दीजिए ना जिससे उसका बुखार तुरंत उतर जाए। डॉक्टर की कोई पर्ची है क्या तुम्हारे पास? पर्ची तो नहीं है भैया। अरे बिना पर्ची के कौन सी दवा दूं? पिछली बार उसे बुखार हुआ था तो आपने ही दवा दी थी। आज भी वैसी कोई दवा दे दो ना। दुकानदार ने शकुंतला को दवा दे दी। वो दवा लेकर घर वापस लौट रही थी। हे भगवान, इस दवा का असर सही से हो जाए और ललिया बिल्कुल ठीक हो जाए तो मैं 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। वो अपने ख्यालों में खोई सड़क पर चली जा रही थी। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। शकुंतला सड़क पर गिर गई। उसके सिर से खून निकलने लगा और वो वहीं छटपटाने लगी। एक्सीडेंट देख आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। ये ट्रक वाले भी ना पीकर चलाते हैं। सब पीकर। बिल्कुल सही कहा भाई आपने, पीकर भी चलाते हैं और बहुत स्पीड में भी चलाते हैं। हाँ। दूसरी ओर शकुंतला को घर लौटने में बहुत देर हो रही थी, इसलिए उसकी बीमार बेटी ललिया को उसकी चिंता होने लगी। ये माँ कहाँ चली गई? कितनी देर हो गई है? मुझे तो बोला था थोड़ी देर में आ जाएंगी। ललिया ने थोड़ी देर और इंतजार किया लेकिन शकुंतला नहीं लौटी। अब तो उसका भी मन बहुत घबराने लगा। उसने अपनी बैसाखी उठाई और बुखार की हालत में ही बाहर निकल गई। थोड़ी दूर जाने पर ही उसे एक जगह लोगों की भीड़ इकट्ठा दिखी। वहाँ खून से लथपथ अपनी माँ को देखा और उसके मुँह से चीख निकल गई। माँ, माँ, ये क्या हो गया? ये तुझे क्या हो गया? ललिया की रोने की आवाज से शकुंतला के शरीर में कुछ हलचल तो हुई लेकिन फिर उसका शरीर पूरी तरह शांत पड़ गया। ललिया ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो खामोश रही। किसी ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। एम्बुलेंस आई और उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने जब उसे देखा तो ये तो मर चुकी है। कुछ देर बाद ललिया की पड़ोसन विमला और ललिया के मामा रघुवीर अस्पताल पहुंचे। अपने मामा को देखकर ललिया फूट-फूट कर रोने लगी। मामा देखिए ना, माँ तो जागती ही नहीं, इन्हें जगा दीजिए, इन्हें बोलिए ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ललिया, तेरी माँ अब नहीं जगेगी, वो बहुत दूर चली गई है। दूर नहीं मामा, माँ मुझे बताए कहीं नहीं जाती। ललिया, तेरी माँ यमराज के पास चली गई है, वो उसे ले गए हैं। ललिया बहुत छोटी थी, मृत्यु और यमराज का मतलब नहीं समझती थी। उसे तो बस एक बात समझ आती थी कि उसकी माँ जाग नहीं रही है और उसे जगाना है। वो रोते हुए ही उसे लगातार जगाती रही लेकिन काश कि कोई मौत के बाद जाग सकता। शकुंतला की पड़ोसन विमला को ललिया पर बहुत दया आ रही थी। उसने उससे कहा, ललिया, जो मर जाते हैं ना, यमराज उसे लेने आते हैं और उसे लेकर अपने साथ चले जाते हैं। तुम्हारी माँ अब यमराज के पास चली गई है। ऐसे कैसे चली गई है मुझसे पूछे बिना? मैं तो उन्हें जाने नहीं दूंगी, अपनी माँ का हाथ पकड़ कर रखूंगी, जोर से पकड़ कर रखूंगी। ललिया ने अपनी माँ का हाथ जोर से पकड़ लिया और रोते रोते बेहोश हो गई। यमराज आए तो जरूर शकुंतला की आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन ललिया का अपनी माँ के प्रति प्रेम और ताकत के कारण वो भी यमराज के पीछे पीछे आ गई। ललिया, तुम सही कह रही थी, तुम्हारी माँ मेरे पास ही है। देखा, मैंने कहा था ना, वो आपके पास है। चलिए अब उन्हें वापस करिए। हम उसे वापस नहीं कर सकते ललिया। क्यों? यही सृष्टि का नियम है। बहुत ही गलत नियम है। माँ तो कहती थी कि हमें किसी से पूछे बिना उसकी छोटी से छोटी चीज भी नहीं लेनी चाहिए। आप मुझसे पूछे बिना मेरी माँ को अपने साथ ले जा रहे हैं, ये गलत बात है। चलिए लौटाइए मेरी माँ को। हमने कहा ना, ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मुझे भी ले चलिए अपने साथ। हम ये भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा समय नहीं आया है। मैं वो सब नहीं जानती, मैं अपनी माँ को लिए बिना वापस नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। यमराज बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सृष्टि का ये विधान कैसे तोड़ दे, लेकिन उन्हें ये बात तो समझ आ गई कि इस लड़की के इस तरह से उनके पीछे पीछे आने के पीछे भगवान की माया है। फिर भी उन्होंने ललिया से कहा कि ललिया, हम तुम्हें तुम्हारी माँ के बदले में और कुछ दे देते हैं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम कुछ भी मांग सकती हो, बहुत सारे खिलौने या बहुत सारे पैसे। मुझे तो मेरी माँ चाहिए, माँ चाहिए, माँ चाहिए, वो मुझे दीजिए या मुझे अपने साथ ले चलिए। आखिरकार ललिया की जिद के आगे वो झुक गए और उसकी माँ के प्राण वापस कर दिए। उनके ऐसा करते ही अस्पताल में मृत पड़ी शकुंतला के शरीर में हलचल हुई और उसने अपनी आंखें खोल दी। मैं कहाँ हूँ? माँ की आवाज़ सुनकर ललिया को भी होश आ गया। वही पास खड़े उसके मामा और विमला को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे तुम जिंदा हो शकुंतला पर? डॉक्टर तो ये कहते कहते वो चुप हो गई।
ऐसा लग रहा है कि मैं गहरी नींद में थी। पता नहीं इतनी गहरी नींद तो मुझे कभी नहीं आई। ललिया तू ठीक तो है ना बेटी? शकुंतला के इस तरह जागने की खबर पूरे अस्पताल में फैल गई थी। डॉक्टरों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मरने के बाद कैसे जीवित हो सकता है। उधर ललिया अपनी माँ के सीने से लिपटी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। दूर यमराज की आंखों में भी ललिया और शकुंतला को देखकर आंसू आ गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।